ना जमहूरी हक है, ये डेमोक्रेसी में समझे आप, बैठने का कोटेशन है, जमहूरी हक है ये, ये पहले मुसलमानों को कश्मीर में जो है ना आतंकवादी बना रहे हैं, गलत तरीका है ना। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, आप डायरेक्टर साहब को, अग्निहोत्री साहब को बोलिए, ये बहुत गलत बात है ये। हटके बैठिए बैठिए। पुलिस जो है ना सेंसर बोर्ड में सेंशन करके जो है तो पिक्चर रिलीज करना चाहिए, क्या मुसलमान आतंकवादी हिंदुस्तान का। जो है ना मुसलमान आतंकवादी नहीं बनाया जाए बोल के, हम कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं कर रहे, दूर बोलो ये बोलो नहीं बोलो, आप कवर करना है ये काम करो। जो है उसने मुसलमानों को जो आतंकवादी बताए और जिस तरीके से लोग हुआ है तो चलो खिलाफ जाओ सर में। जी उस पर बनाई गई है, बहुत अच्छी बात है, फिल्म पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स पेश किए गए हैं जहाँ तक मुझे इत्तला है, उसमें आगा खुमैनी को कुछ आतंकवादी बताया गया है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आतंकवाद को एक अच्छे लोगों से जोड़ना, उलमा से जोड़ना, ये नाकाबिल अमल है। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इंतज़ार हुसैन नामी एक शख्स ने PILP फाइल की थी जो कि खारिज हो चुकी है। मेरा हुकूमतें इनके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और सेंसर बोर्ड से यही मुतालबा है कि जो सीन्स काबिल एतराज़ हैं उस फिल्म में से हटाना चाहिए। और इस मौके पर मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 लाकर जिस तरीके से कश्मीरियों कश्मीरी आवाम का तहफ़ किया गया है और कश्मीरियत को बचाया गया है, उसके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और साथ में मुबारकबाद भी देता हूं। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक अच्छी फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के नाम से रिलीज़ होने जा रही है, लेकिन उसमें जिस तरीके से काबिल एहतराम मुसलमानों को एक आतंकवाद से जोड़कर पेश किया गया है उस पर हमें एतराज़ है, उसको फौरी तौर पर हटाना चाहिए। आज चार मीनार पर जब इत्तला मिली कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर और द कश्मीर फाइल्स की टीम पूजा करने के लिए पहुंचने वाली है, तो हम लोगों ने गनीमत समझा और यही कोशिश की कि उनके सामने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए उनसे मुतालबा करें कि हिंदुस्तान एक कौमी यकजहती मुल्क का गहवारा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं और ऐसे माहौल में अमन और सुकून के माहौल में जो फिल्म में कुछ बताया गया है जहाँ तक मुझे इत्तला है उसको फौरी तौर पर हटाना चाहिए, क्योंकि मुल्क की सलामती और यकजहती हमारे लिए अव्वल तरजीह है। कश्मीर फाइल्स में जो भी बताया गया है, इन्हें तारीख बताई गई है, तो उसका तो हम वेलकम करते हैं और हिंदुस्तानी आवाम को के सामने हकीकत आना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसमें आतंकवाद से जोड़ने का, अच्छे लोगों को आतंकवादी बताने का जो काम किया गया है उस पर हमें सख्त एतराज़ है। मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर और टीम
फौरी तौर पर उसको हटाए, क्योंकि ये कश्मीर फाइल्स कोई सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम के लिए हैं। और मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखें, लेकिन साथ में फिर डायरेक्टर से और फिल्म के प्रोड्यूसर से और जितने ज़िम्मेदार हैं उनसे ये भी मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पर जो काबिल एतराज़ चीज़ है उसको हटाया जाए।